हाँ जी गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करे होंगे। तो गाइज, एक्सेल कोर्स की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट नंबर है 85, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो गाइज, आप इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि ये ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल होता क्या है और ये कैसे एक आप जिस टाइम एक एक्सेल ले रहे होते हैं उस टाइम कैसे ये हेल्प करता है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइज, अपने को AEC की इमेज अपने को इस टाइप से देखने को मिलेगी। आप कन्फ्यूज मत होना गाइज, AEC और ऑटोमेटिक एक्सपोज कंट्रोल एक ही चीज़ है। इसको आप कहीं AEC बोलेंगे, कहीं आप ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल बोलेंगे। तो यहाँ देखो गाइज, ये AEC की इस तरह अपने को एक जो अपनी कैसेट होगी उस साइज की अपने को एक प्लेट देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज। और वो प्लेट वो अपने कैसेट के साथ इम्बेड होगी। देन कंसेप्ट ये आता है गाइज की, फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया अपना फुल फॉर्म ऑफ AEC, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। कई बार एक नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEC, देन यू कैन सिंपली से ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। देन व्हाट इज AEC, उसके बाद ये पूछ लेता है, तो आप सिंपली बोल सकते हो AEC इज ए एक्सरे टर्मिनेशन डिवाइस। इट इज यूज टू कंट्रोल द रेडिएशन एक्सपोजर एंड इट टर्मिनेट्स द एक्सपोजर व्हेन नीडेड। देखो गाइस, अभी आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ आपके आसपास लाइटें वगैरह हो गई, वहाँ अगर लाइट का लोड ज़्यादा हो रहा है, अगर MCB वहाँ लगी है तो क्या होगा, जैसे ही लोड ज़्यादा होगा तो MCB डाउन हो जाएगी और वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ AC अपना AEC का रहता है गाइस, एक्सपोजर कंट्रोल का रहता है। जैसे अपना एक्सपोज करते हैं तो जो पेशेंट के पास रेडिएशन जाती है वो कैसेट को टच करती है और AEC ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भी इतनी रिक्वायरमेंट है मेरे को। और जैसे ही वो एक्सपोजर पूरा हो जाएगा ना, मीन्स जो इमेज अपनी पूरी आ जाएगी उस एक्सपोजर के अंदर, देन क्या होगा, जो AEC उस एक्सपोजर को अपने आप टर्मिनेट कर देगा, मीन्स बंद कर देगा। तो वहाँ क्या होगा, जब अपनी एक्सरे मशीन बंद हो जाएगी, वहाँ रेडिएशन निकलनी बंद हो जाएगी। तो इससे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी गाइज, सबसे फर्स्ट जो मेन गोल रहेगा इसका, ये जो अनवांटेड जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है पेशेंट के लिए, उसमें ये हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में। सिंपल सी बात है गाइज, अगर आपने देखो, अगर MCB अपने घर में नहीं लगी है और अगर कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो रही है, लाइट वगैरह तेज या ज़्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, तो वहाँ क्या होगा, और चीज़ें फूक सकती है ना, अपने फ्रिज इन्वर्टर काफ़ी उन चीज़ में नुकसान हो सकता है ना, लाइट्स वगैरह फ्यूज हो सकती है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अपने पेशेंट में नुकसान देखने को मिलेगा एक्सपोजर का। तो यहाँ क्या होगा, जो भी पेशेंट की रेडिएशन डोज होगी वो यहाँ कम हो जाएगी। देन तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है गाइज AEC का। AEC क्या है गाइज, ये ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल में से एक टर्मिनेशन डिवाइस है जो कि एक्सरे को टर्मिनेट कर देगा जितनी अपन एक एक्सरे इमेज लेने में रिक्वायरमेंट है उतनी आने के बाद। मीन्स एक सर्टेन लिमिट होगी, इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे होंगे, वो डिटेक्ट कर देंगे कि पेशेंट का क्या साइज है, क्या उसकी एज है, क्या अपन उसके अंदर क्या फैक्टर्स अपन खुद दे रखे हैं, उन जो फैक्टर्स की वैल्यू वगैरह होगी उन सबको वो कैलकुलेट करके फिर अपने आप जो भी सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर इसको बंद कर देगा। उससे क्या होगा, पेशेंट के लिए रेडिएशन ज़्यादा नहीं रहेगी। और तो ये छोटा सा कंसेप्ट है AEC का, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।